साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा बी फार्मा किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूं। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा बी फार्मा या हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित है या कैरियर संबंधित है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डी फार्मा या बी फार्मा करके हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि डी फार्मा के बाद प्रैक्टिस कैसे सीखी जाए जिससे रूरल एरिया में क्लिनिक चला सके। कहने का मतलब है, डी फार्मा विद्यार्थी ने किया है और वो प्रैक्टिस सीखना चाहता है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो है अपनी क्लिनिक खोलना चाहता है। साथियों, मैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर हूं, मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूं। जो विद्यार्थी हमारे यहाँ सीखने आते हैं, हमेशा मेरा ये उद्देश्य होता है कि मैं उनको विधिवत सिखाऊं और ऐसा सिखाऊं ताकि जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में या प्राथमिक उपचार क्लिनिक खोल सकें, जिसमें कि सर्दी, जुखाम, गले में खराश, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन या ड्रेसिंग कर सकें, या जैसे कुत्ता काट लेता है उसका इंजेक्शन लगा सकें, या टिटनस का इंजेक्शन लगा सकें, या पथरी का दर्द है उसमें डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लगा सकें। कहने का मतलब है प्राथमिक उपचार केंद्र। साथियों, डी फार्मा करने का मतलब है कि जहां दवा वहां फार्मासिस्ट। दवाई का इतना अच्छा ज्ञान होता है, साथ ही साथ अगर उन्होंने क्लिनिकल अगर अच्छा सीख लिया तो आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। साथियों, मेरे हॉस्पिटल में जो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मेरा उद्देश्य होता है मैं सबको विधिवत सिखाता हूँ और इमरजेंसी ड्यूटी भी लगाता हूँ, क्योंकि 240 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें इमरजेंसी ड्यूटी भी संपादित होती है, ओपीडी भी चलती है, मेडिसिन का वितरण भी होता है, दवा रखरखाव, डोज मतलब बताना, सभी कुछ जो है फार्मासिस्ट का काम है। साथ ही साथ हम काउंसलिंग भी करते हैं कि बीमारी क्या है, आपका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा तो कौन से डॉक्टर को दिखाना है, इस तरह से सभी कुछ हम सिखाते हैं। साथियों, जो विद्यार्थी आते हैं, मैं उनको जो है अल्टरनेट सभी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगाता हूँ। 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। साथियों, 3 मंथ में जो है वो विधिवत इतना सीख सकते हैं कि आसानी से अपनी क्लिनिक चला सकते हैं। साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में जो है सर्दी, जुखाम, बुखार के लिए क्या होता है कि क्लिनिक अगर आप चलाते हैं तो कभी मात नहीं खाएंगे अगर आप विधिवत सीख लेते हैं। तो इसके लिए बेटर है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीएससी, पीएससी या फिर जिला अस्पताल या महिला जिला अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही जो है प्रैक्टिस करें, जहाँ पे इमरजेंसी ड्यूटी भी संपादित होती हो और विधिवत आप सीख सकें। जैसे कि वीगो लगाना, आईवी सेट कैसे लगता है, इंजेक्शन कैसे लगता है, एनएस क्यू चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है, साथ ही साथ बहुत तरह के इंजेक्शन होते हैं जो इमरजेंसी ड्रग है, जैसे डाइक्लोफेनिक है, ट्रामाडाल है, जो है डेरी फाइलिन इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन है, टिटनस है, इसी तरह से जितनी भी इमरजेंसी इंजेक्शंस हैं वो जो है वहाँ पे विधिवत पेशेंट को दिए जाते हैं और स्टूडेंट जो है ऑब्जर्व करता है, धीरे धीरे क्या होता है कि उसको नॉलेज बढ़ता है और वो विधिवत सीख जाता है। साथियों, बहुत से हमारे स्टूडेंट पढ़ाए हुए जो है क्लिनिक चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और अब तो हॉस्पिटल भी खोल लिए हैं। साथियों, तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों, लेकिन इसके पहले आपको विधिवत सीखना है। साथियों, प्राथमिक उपचार का मतलब है, प्राथमिक उपचार का कि जितना भी सर्दी, जुकाम, बुखार या इस तरह की जो है आप दवाइयां दे सकते हो, लगभग जो है 250 मेडिसिन की आप जो है दवाइयां दे सकते हो। साथियों, कोई भी बड़ा रिस्क आपको नहीं करना है, जैसे कि सर्जरी का केस है या फिर बहुत क्रिटिकल फ्रैक्चर है, अदरवाइज माइनर लिगामेंट फ्रैक्चर है, आप एक्सरा भी मैं हम दिखवाना बताते हैं इमरजेंसी में, और उसके बाद आप प्लास्टर भी चढ़ा सकते हैं और प्लास्टर भी विधिवत चढ़ाना हम सिखाते हैं। तो साथियों, आई होप विद्यार्थी का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर क्लिनिक चलाते हैं उसमें किसी तरह का अवरोध या दिक्कत आती है या कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।